डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर की इंग्लिश के एक और लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। हम बुक वन के लेसन नंबर फाइव को पढ़ रहे हैं, द पीस ऑफ स्ट्रिंग बाय गाय डे मॉपसन। इस चैप्टर को हमने पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है और पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री में हम इस चैप्टर की ट्रांसलेशन को डिटेल से अच्छी तरह से हम इसको पढ़ चुके हैं। तो हमारा टेक्स्ट जो है वो इसका ख़त्म हो चुका है, ट्रांसलेशन हमारी ख़त्म हो चुकी है। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और फिर इस चैप्टर को हम वाइंड अप करेंगे आज। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ओके, एक्सरसाइज में सबसे पहले हम एमसीक्यूज करते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। The rich people gathered at a big hall. MCQs हमारे हैं, the rich people gathered at a big hall for a great meal. D option. What was the public statement made by the drum beater? Drum beater ने क्या public statement दी थी? उसने कहा था A option, loss of the black leather pocketbook containing money and business paper. A option is the answer. Number three, Mr. Hubert was surprised and disturbed when the police officer asked him to accompany him to. मिस्टर ह्यूबर्ट कब परेशान हुआ था? जब पुलिस ऑफिसर ने उससे कहा था कि उसके साथ चले किस तरफ? द मेयर्स ऑफिस, मेयर के ऑफिस की तरफ। बी ऑप्शन। बाय माय वर्ड ऑफ ऑनर आई नेवर हर्ड ऑफ इट मींस मुझे अपनी इज्जत की कसम, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। इज्जत की कसम लेकर कह रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसके बी ऑप्शन की तरफ आएंगे जहां पर यह लिखा हुआ है बींग एन ऑनरेबल मैन ही डिडंट पिक अप द लॉस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो अपने ऑनर की कसम लेकर कह रहा है, इसका मतलब है कि वो अपने आप को एक ऑनरेबल शख्स कह रहा है। वो अपने ऑनरेबल शख्स होने के नाते वो ये कह रहा है कि उसने कभी भी किसी गुमशुदा चीज को नहीं उठाया। नेक्स्ट इज व्हाट डिड ह्यूबर्ट से इन द मोस्ट एग्जास्परेटिंग टोन। मिस्टर ह्यूबर्ट ने इंतहाई इश्तआल अंगेज अंदाज में क्या कहा था? उसने कहा था इट इज नेवरदलेस ट्रूथ ऑफ द गुड गॉड द सेक्रेड ट्रूथ। उसने नंबर सी ऑप्शन ही उसने सेंटेंस कहा था, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ ह्यूबर्ट व्हेन ही वाज इनफॉर्म्ड ऑफ द रिकवरी ऑफ द लॉस्ट ऑब्जेक्ट। जब उसको गुमशुदा चीज की रिकवरी के बारे में, मिलने के बारे में कहा गया, उसने ही फेल्ट, उसने कैसा महसूस किया? ही फेल्ट ट्रायम्फ्ड। उसने बी ट्रायम्फ्ड महसूस किया, उसने खुद को जीता हुआ, फतह याफ्ता महसूस किया। नेक्स्ट वन इज बट ही ओनली मेट विद इनक्रेजुअलिटी। लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ एक झूठ का, एक बेयकीनी का सामना करना पड़ा। इट मीन्स दैट ही वॉज बिलीव्ड लाइंग। उसे क्या माना गया कि वो एक झूठा शख्स है, मकार शख्स है, वो झूठ बोल रहा है। वट डिड द पीपल से बिहाइंड हिज बैक। लोग उसकी पीठ पीछे क्या कहते? वो कहते दोज आर लेम एक्सक्यूजेज, ये झूठे बहाने बनाता है। ए ऑप्शन। द नेक्स्ट वन इज What did Hubert feel? Hubert को कैसा फील हुआ, कैसा महसूस हुआ, उसको कैसा फील हुआ? He felt shame and disgrace to his self-esteem और एंड कैरेक्टर। उसको अपनी इज्जत, अपने इज्जत नफ्स पर, अपने किरदार पर उसको एक शर्मिंदगी सी और एक रुसवाई सी महसूस हुई जब तमाम उस पर इल्जाम लगाए गए थे, जब किसी ने उस पर यकीन नहीं किया था। लास्ट वन इज What were the last words Hubert uttered before his death? मौत से पहले उसने आखिरी अल्फाज क्या अदा किए थे? अगरचे ये ए और बी दोनों जो ऑप्शन हैं यही सेट होते हैं, a piece of string, by my word of honor, I did not lie. तो एग्जाम में अगर ये दो ऑप्शन के तौर पर आएंगे तो हम इसका बी ऑप्शन ठीक करेंगे, by my word of honor, I did not lie. लेकिन अगर ये दोनों हो सकता है कि दोनों मिलाकर एक ही सेंटेंस बनवा जाए और एक और साथ में वो एमसीक्यूज में से एक और जो है वो खुद से स्टेटमेंट ऐड कर दें, तो होना यही चाहिए कि अ पीस ऑफ स्ट्रिंग बाय माय वर्ड ऑफ ऑनर आई डिड नॉट लाई। तो ये दोनों को मिलाकर एक स्टेटमेंट होनी चाहिए थी सारी। एनीवे, अगर इस तरह की सिचुएशन में आप बी को ठीक करेंगे, अगर पूरी स्टेटमेंट दोनों को मिलाकर इकट्ठी आएगी तो फिर यहाँ पर कोई ना कोई एक और स्टेटमेंट खुद से वो ऐड करेंगे जो कि फॉल्स होगी। सो ये हमारे एमसीक्यूज हो गए। उसके बाद ट्रू फॉल्स हमने नहीं करने, क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं। क्वेश्चन आंसर्स पर लाने से पहले मैं आपको उनके थोड़ा सा बोर्ड के एग्जाम्स के मुताबिक बता दूं कि कौन से हैं, वो कब आ चुके हैं।
पीस ऑफ स्ट्रिंग हम डायरेक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं, स्टोरी के बारे में मेन कैरेक्टर हम सबको पता ही है कि कौन कौन से हैं। ह्यूबर्ट है एक जो कि इसका मेन कैरेक्टर था, चीफ ऑफ द पुलिस था, मेयर था एक मिस्टर जेम्स जो कि पब्लिक हॉल का केयर टेकर था, मिस्टर मनाना जिसने इल्ज़ाम लगाया था, और मिस्टर जॉर्ज जिसे वो गुमशुदा बटुआ मिला था और जिसने आकर मिस्टर ह्यूबर्ट को इल्ज़ाम से बरी किया था। जो इसके अहम सिनोनिम्स हैं वो भी मैंने आपको यहाँ लिख कर दे दिए हैं, ठीक है, अब इसको डिस्कस नहीं करते, लेकिन ये कि मैंने सारे आपको लिख कर दे दिए जो मुख्तलिफ बोर्ड के एग्ज़ाम में जिन जो जो वर्ड्स आ चुके हैं उनके मीनिंग्स के सेंस में मुख्तलिफ बुक्स से मुख्तलिफ बोर्ड के एग्ज़ाम में हमने इसको उठा लिया, तो इन वर्ड्स को आप लाजमी याद कीजिएगा। एक फ्रेजल वर्ब दो आए थे, एक ईडियम भी आया था, तो ये इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करते, लेंथी बहुत लेक्चर हो जाएगा। हम इसको लेक्चर टॉप डिस्कशन के साथ साथ हम टेक्स्ट में साथ साथ इसको थोड़ा वो डिस्कस भी करते आए हैं, वर्ड्स की इंग्लिश साथ में डिस्कस हम लोग करते आए थे उस वक्त भी। तो आगे हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड मनाना अक्यूज ह्यूबर्ट टू पिकिंग अप द लॉस्ट पॉकेट बुक। मनाना ने ह्यूबर्ट पर क्यों इल्ज़ाम लगाया था कि उसी ने गुमशुदा बटुआ उठाया था। स्टोरी हम सबके जहन में है, स्टोरी में क्या था कि मनाना ने ह्यूबर्ट को सड़क से कुछ उठाते हुए देखा था। मनाना हैड सीन मिस्टर ह्यूबर्ट पिकिंग अप समथिंग फ्रॉम द रोड, तो उसने अज्यूम किया था, उसको लगा था कि मिस्टर ह्यूबर्ट वो गुमशुदा बटुआ ही उठा रहा था। सो ही हैड अज्यूम्ड दैट मिस्टर ह्यूबर्ट वॉज पिकिंग अप द लॉस्ट पॉकेट बुक ऑफ मिस्टर जेम्स। उसने अज्यूम कर लिया था कि मिस्टर ह्यूबर्ट मिस्टर जेम्स का गुमशुदा बटुआ ही उठा रहा था, तो इसलिए मिस्टर मनाना ने ह्यूबर्ट पर इल्ज़ाम लगाया था। ये सामने आपके सामने बोर्ड्स के मुख्तलिफ बोर्ड्स के नाम लिखे हुए हैं कि किस किस साल में किस किस बोर्ड के पेपर में ये सवाल आ चुका है, ठीक है। सेकंड वन इज व्हाई डिड व्हाट डिड द पीपल थिंक ऑफ ह्यूबर्ट व्हेन दे हर्ड द रिटर्न ऑफ द पॉकेट बुक बाय सम अदर पर्सन। जब लोगों ने सुना कि किसी और शख्स ने वो गुमशुदा बटुआ लौटा दिया है, तो लोगों ने फिर उसका क्या लोगों ने उसके बाद क्या सोचा ह्यूबर्ट के बारे में, ठीक है। उसके बाद भी हम कहेंगे कि स्टिल पीपल डिड नॉट बिलीव हिज स्टोरी ऑफ स्ट्रिंग। लोगों ने अभी फिर भी उसकी जो डोरी की कहानी थी उसको क्या उस पर यकीन ना किया, ठीक है। बटुआ जब मिल चुका था उसके बावजूद पीपल डिड नॉट बिलीव ऑन हिज स्टोरी ऑफ दैट स्ट्रिंग, दे स्टिल मेड फन ऑफ हिम, फिर भी वो उसका मजाक उड़ाते रहे, ठीक है, एंड वो उसकी कहानी को वो सुनाते, ठीक है, दे वुड टेल हिज स्टोरी ऑफ स्ट्रिंग टू ईच अदर्स, ठीक है, वो एक दूसरे को महजूज करने के लिए, टू अम्यूज ईच अदर, एक दूसरे को अम्यूज करने के लिए, महजूज करने के लिए वो स्टोरी सुनाते हैं। अपेरेंटली ये सवाल किसी बोर्ड के एग्जाम में नहीं आया अभी तक। नंबर थ्री, व्हाई डिड जॉर्ज गिव द पॉकेट बुक टू हिज एम्प्लॉयर। जॉर्ज ने पॉकेट बुक बटुआ अपने आका अपने मालिक को क्यों दे दिया था, क्यों दिया था, क्योंकि जॉर्ज एक अनपढ़ शख्स था, ठीक है, बिकॉज जॉर्ज वॉज एन अनएजुकेटेड पर्सन एंड ही डिड नॉट नो हाउ टू रीड, वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसलिए उसने ये बटुआ अपने मालिक को दे दिया ताकि वो उसे उसके बटुए एक असल मालिक तक पहुंचा सके। सो दैट्स व्हाई ही गेव द पॉकेट बुक टू हिज एम्प्लॉयर सो दैट ही कैन रिटर्न इट टू इट्स ओनर, वो इसके ओनर को इसके मालिक तक पहुंचा सके, ठीक है। ये भी काफी दफा एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा इस चैप्टर का सबसे अहम सवाल है। व्हाट मेड ह्यूबर्ट शेमफुल, कौन सी ऐसी चीज थी, क्या चीज थी जिसने ह्यूबर्ट को रुसवा कर दिया, शर्मिंदा कर दिया, ठीक है। तो ह्यूबर्ट कौन था, ह्यूबर्ट एक सादा किस्म का एक देहाती शख्स था, एक बहुत ही जिसकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट थी, जिसकी अपनी इज्जत एतबार था, ठीक है। जब उसे झूठा कहा गया तो वो झूठा कहलाए जाने ने उसे क्या कर दिया, उसे शेमफुल बना दिया। सो ह्यूबर्ट वॉज अ सिंपल, ही वॉज अ पीजेंट, ही वॉज अ सिंपल फार्मर, ही वॉज अ सिंपल कंट्री मैन, ही हैड अर्नड सेल्फ रिस्पेक्ट थ्रू आउट हिज लाइफ, उसने अपनी पूरी जिंदगी में सेल्फ रिस्पेक्ट ही अर्न की थी। When he was humiliated, when he was said liar, so he could not bear that. वो उसको बर्दाश्त ना कर सका, ठीक है। To him, उसके नजदीक there was nothing so shameful as to be called a liar. एक झूठा कहलाए जाने से ज्यादा बाय से शर्मिंदगी और कोई भी चीज नहीं है। तो इस झूठा कहलाए जाने ने
उस एक 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 काबिल इज्जत शख्स को, एक नेक शख्स को, एक सेल्फ रिस्पेक्ट के हामिल शख्स को झूठा कहलाए जाने को, झूठा कहलाए जाने ने हिबर्ट को शेमफुल कर दिया, शर्मिंदा कर दिया। व्हाट व्हाई डिड पीपल मेक फन ऑफ हिज इनोसेंस, लोग उसकी मासूमियत का मजाक क्यों उड़ाते रहे, ठीक है, लोग उसकी मासूमियत का मजाक क्यों उड़ाते रहे। तो सवाल, इस सवाल का जवाब भी पिछले से कुछ मिलता जुलता ही है। वो क्या है कि ह्यूबर्ट क्या था, वो एक उसकी अपने सेल्फ एस्टीम थी, उसका अपने एक मकाम था लोगों की नजरों में, ठीक है, और उसके नजदीक क्या था जो झूठा कहलाया जाना क्या था, वो एक 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 शेमफुल था, एक डिसरिस्पेक्टिंग किस्म की चीज थी। सो वो नहीं चाहता था कि वो क्या करे, वो एक एक जिल्लत की मौत मरे और लोग उसको बाद में, उसको फौत हो जाने के बाद लोग उसे झूठा झूठा कहकर पुकारे। तो लोग उसकी मासूमियत का मजाक क्यों उड़ाते रहे थे, क्योंकि लोगों ने उसकी जो है वो स्ट्रिंग की कहानी का यकीन ही नहीं किया था। लोगों ने उसकी वो जो पीस ऑफ स्ट्रिंग स्वर्ग से उठाने कहानी का यकीन नहीं किया था। लोग समझते रहे कि ये ही इज़ अ लायर, ही इज़ अ रास्कल, ठीक है, वो इसे इस किस्म के अलकाबाद से, इस किस्म के नामों से पुकारते रहे थे, बिकॉज उन्हें लगा कि ये बंदा खुद से कोई मन घड़त कहानी बना रहा है। तो इसी वजह से पॉकेट बुक मिल जाने के बाद भी लोग उसकी इनोसेंस का, उसकी मासूमियत का मजाक उड़ाते रहे थे उसकी कहानी को लेकर। Why did he keep claiming his innocence before his death? वो मरने तक अपनी अपनी मासूमियत को कैसे साबित करता रहा, उसका क्या दावा करता रहा, ठीक है। वो अगेन वही बात है कि वो एक जिल्लत के साथ, एक रुसवाई के साथ नहीं मरना चाहता था। वो चाहता था कि उसकी मौत के बाद लोग उसको याद करें, एक लायर के तौर पर याद ना करें, ठीक है। सो दैट्स वाई ही डिड नॉट वॉन्ट पीपल टू रिमेंबर हिम एज अ लायर आफ्टर हिज डेथ, ठीक है। ही डिड नॉट वॉन्ट पीपल टू रिमेंबर हिम एज अ लॉयर एज अ लायर आफ्टर हिज डेथ। वो नहीं चाहता था कि मौत के बाद लोग उसे एक झूठे की हैसियत से पुकारें, याद रखें। दैट्स वाई ही कीप क्लेमिंग हिज इनोसेंस बिफोर हिज डेथ, इसलिए वो मौत तक अपनी मासूमियत का, बेगुनाही का दावा करता रहा। तो ये सवाल थे कौन से हमारे एक्सरसाइज के, सभी सवाल अहम हैं। एक सवाल जो है वो हमारा अभी तक बोर्ड के एग्जाम में नहीं आया, लेकिन ये बाकी सब के सब सवाल मुख्य बोर्ड के मुख्य सालों के इम्तिहानों में आ चुके हैं, तो याद करने इन सबको। एडिशनल सवालों की तरफ आते हैं। एडिशनल सवाल बुक से हमें कौन कौन से बन सकते हैं, कौन से जो है वो वर्दी हो सकते हैं। पहला सवाल हमारे पास कौन सा है कि हमें अगर मिस्टर ह्यूबर्ट के किरदार पर सवाल लिखने पर सवाल आएगा तो क्या लिखेंगे, कि राइट डाउन अ नोट ऑन द करेक्टर ऑफ मिस्टर ह्यूबर्ट। मिस्टर ह्यूबर्ट के करेक्टर पर हमें क्या करना है, एक सवाल लिखने, क्या कहेंगे, मिस्टर ह्यूबर्ट ही वाज अ सिंपल कंट्री मैन, ही वाज एन ओल्ड पीजेंट एंड ही हैड अर्नड सेल्फ एस्टीम एंड रिस्पेक्ट थ्रू आउट हिज लाइफ, ठीक है। उसने एक सादा सा देहाती शख्स था जिसने अपनी पूरी जिंदगी में सेल्फ रिस्पेक्ट ही कमाई थी, ठीक है। सो दिस पर्सन वॉज फॉल्सली अक्यूज्ड, इस पर एक गलत इल्जाम लगाया गया था, ऑफ पिकिंग अप द लॉस्ट पॉकेट बुक ऑफ मिस्टर जेम्स, इस पर मिस्टर जेम्स का गुमशुदा बटुआ उठाने का एक झूठा इल्जाम लगाया गया था। एंड ही कुडंट प्रूव हिज इनोसेंस टिल हिज डेथ, ठीक है, वो मौत तक अपनी इस इनोसेंस को साबित ना कर सका था। What did the diners discuss in the big public hall? उस बड़े से public hall में diners जो है वो क्या discuss करते रहे थे? Diners discuss करते रहे थे अपनी खरीदारी के बारे में, अपनी फरोख्त के बारे में, और फसलों के बारे में, सब फसलों के बारे में जो कि एक मौसम के बारे में जो कि सब फसलों के बारे में साजगार था, और दूसरे कुछ चीज़ों के लिए साजगार था और कुछ चीज़ों के लिए वो साजगार नहीं था। तो इस तरह की चीज़ों को वहाँ पर डिस्कस किया गया था, ठीक है। तो क्या कहेंगे, एवरीवन टोल्ड अबाउट देयर पीपल टोल्ड डिस्कस्ड अबाउट देयर परचेजेस, अबाउट देयर सेल्स, एंड दे टॉक्ड अबाउट द क्रॉप्स एंड द वेदर विच वाज गुड फॉर द ग्रीन थिंग्स बट इट वाज नॉट गुड फॉर व्हीट। तो इन तमाम चीज़ों को वहाँ डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट वाज द पब्लिक अनाउंसमेंट, वो पब्लिक अनाउंसमेंट क्या की गई थी, पब्लिक अनाउंसमेंट क्या थी कि एक
एक ब्लैक कलर का लेदर का पॉकेट बुक है जिसमें 500 शिलिंग थे और जिसमें कुछ बिजनेस पेपर्स थे। सुबह 9 से 10 के दरमियान रोड पर गुम हो गया है। जिसको मिले वो उसे मेयर के दफ्तर में पहुंचा दे या मिस्टर जेम्स को दे दे, और जो ऐसा करेगा उसे 20 शिलिंग का रिवॉर्ड दिया जाएगा। सो अ ब्लैक लेदर पर्स, अ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक विच कंटेन्स 500 शिलिंग एंड सम बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, इट वॉज लॉस्ट ऑन द रोड बिटवीन 9 to 10 AM इन द मॉर्निंग। So whoever finds it is requested to return it to the mayor's office or to Mr. James, and the one who does so will be rewarded with 20 shillings. ये जवाब हम लिखेंगे public announcement के सेंस में के reply में। What accuse was made on Mr. Hubert? Mr. Hubert पर क्या इल्जाम लगाया गया था? Mr. Hubert was accused of picking up the lost pocketbook of Mr. George from the road. इस पर इल्जाम लगाया था, उसने उस पर इल्जाम लगाया गया था कि उसने मिस्टर जेम्स का गुमशुदा बटुआ उठाया था सड़क से, ठीक है। What did the mayor say about Mr. Manana? मेयर ने मिस्टर मनाना के बारे में क्या कहा था? मेयर ने कहा था कि मिस्टर मनाना एक बहुत ही काबिल कदर शख्स है और मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि उस शख्स ने गलती से एक रस्सी के टुकड़े को बटुआ समझ लिया होगा। उसने क्या कहा था कि मिस्टर मनाना इज अ मैन ऑफ वर्दी क्रेडेंस, मिस्टर मनाना इज अ मैन ऑफ वर्दी क्रेडेंस एंड आई डो नॉट बिलीव दैट ही मिसटुक अ कॉर्ड फॉर पॉकेट बुक। उसने गलती से एक रस्सी के टुकड़े को क्या समझ लिया, बटुआ समझ लिया। What was the reaction of people to the old man's story of the old man's story of the sting? लोगों का क्या रिएक्शन था, लोगों का क्या रद्द अमल था बूढ़े शख्स की उस मिस्टर ह्यूबर्ट की जो स्ट्रिंग की कहानी थी, लोगों का क्या रिएक्शन था? द पीपल डिड नॉट बिलीव ऑन मिस्टर ऑन द ओल्ड मैन स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग। द पीपल डिड नॉट बिलीव, लोगों ने बात को बिल्कुल ना माना। इंस्टेड इसके बजाय दे रिडिक्यूल्ड हिम, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, ठीक है। दे मोक्ड ओवर हिम, वो उस पर हंसे, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, ठीक है। एंड दे टोल्ड द स्टोरीज, दे वुड टेल द स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग टू अम्यूज ईच अदर, वो एक दूसरे को अम्यूज करने के लिए, एक दूसरे को महजूज करने के लिए वो तफरीहन तफरी की खातिर वो उस बूढ़े की रस्से की कहानी को एक दूसरे को सुनाते थे। नेक्स्ट टाइम के व्हाई डिड द मेयर नॉट बिलीव इन द इनोसेंस ऑफ मिस्टर ह्यूबर्ट। मेयर ने मिस्टर ह्यूबर्ट के इनोसेंस पर क्यों यकीन ना किया? ये जो पहले हमने सवाल मिस्टर मनाना वाला किया था इसी का वही जवाब बनता है तकरीबन कि बिकॉज द अक्यूजर, द वन हु अक्यूज वाज मिस्टर मनाना, क्योंकि जिसने शख्स ने उस पर इल्जाम लगाया था वो कौन था? वो मिस्टर मनाना था। बिकॉज द वन हु अक्यूज वाज मिस्टर मनाना हु वाज अ पर्सन हु वाज अ मैन ऑफ वर्दी क्रेडेंस, जो कि एक काबिल एतबार शख्स था, ठीक है। तो इस वजह से मेयर ने मिस्टर ह्यूबर्ट की इनोसेंस का यकीन ना किया। Was it necessary for Hubert to continue pleading his innocence? क्या Hubert के लिए जरूरी था कि वो अपनी बेगुनाही को की दरख्वास्त कर रहे? प्लीड करना होता है वो एक दरख्वास्त करना, एक गिड़गड़ाना। क्या उसके लिए Hubert के लिए जरूरी था कि वो अपनी बेगुनाही के लिए गिड़गड़ाता रहता, ठीक है। वो इसके लिए जरूरी इसलिए था क्योंकि बिकॉज ही हैड स्पेंड हिज इंटायर लाइफ इन अर्निंग हिज सेल्फ रिस्पेक्ट। बिकॉज क्योंकि मिस्टर ह्यूबर्ट ने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी थी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट कमाने में। ही वॉज एन ओल्ड पर्सन, पुअर पर्सन, बूढ़ा और गरीब शख्स था जिसने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी थी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट कमाने में। तो आखिर में वो एक झूठे इल्जाम के साथ नहीं मरना चाहता था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू डाई विद अ फॉल्स अक्यूज, He did not want to die with a false accuse. वो एक झूठे इल्जाम के साथ नहीं मरना चाहता था। That is why it was necessary for him to continue pleading his innocence. Question number 9 additional में से है, How did people's attitude affect the old man? वो लोगों का attitude का बूढ़े शख्स पर मिस्टर ह्यूबर्ट का क्या असर हुआ? क्या असर हुआ था कि लोगों के attitude ने मिस्टर ह्यूबर्ट को बहुत hurt किया था, ठीक है। People's attitude was extremely
हार्ट रेंचिंग, ये बहुत ज्यादा क्या था, हार्ट रेंचिंग था ये, इट वाज नॉट, इट वाज अनफेयर, या अनफेयर था, मुनासिब नहीं था, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ पीपल्स एटीट्यूड द पर्सन स्टार्टेड वीकनिंग, वो कमजोर होना शुरू हो गया, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम ही फेल इल, कुछ ऐसे बाद वो बीमार पड़ गया, एंड इन द सेम इलनेस ही डाइड, और उसी बीमारी में वो मर भी गया, ठीक है। सो पीपल्स एटीट्यूड इन फैक्ट टुक हिज लाइफ, उसकी जिंदगी ले ली, लोगों के एटीट्यूड ने, लोगों के रवैये ने उस शख्स की जिंदगी ले ली। हाउ डिड द फ्लड प्रूव ह्यूबर्स इनोसेंस, फ्लड ने किसने, सैलाब ने ह्यूबर्ट की मासूमियत को, बेगुनाही को कैसे साबित किया, क्या क्या हुआ था, दैट द ग्रेट फ्लड टुक अवे एवरीथिंग, कैरिड अवे एवरीथिंग, द पीपल एंड देयर बिलोंगिंग्स, ठीक है। एक बड़ा सा सैलाब आया था जो कि तमाम गांव के तमाम लोगों को और उनकी तमाम बिलोंगिंग्स को, उनके तमाम सामान को साथ बहा ले गया। ओनली मिस्टर ह्यूबर्ट्स ग्रेव स्टूड देयर, सिर्फ मिस्टर ह्यूबर्ट की कब्र ही वहां पर कायम रही। सो इन दिस वे द फ्लड प्रूव्ड ह्यूबर्ट्स इनोसेंस, इस तरह से फ्लड ने मिस्टर ह्यूबर्ट की इनोसेंस को, बेगुनाही को साबित किया। What was engraved on the tombstone of the old man, बूढ़े शख्स के कब्र के कुतबे पर, कब्र के उस गुंबद के उस मार्बल पर क्या कंधा किया हुआ था, क्या खुदा हुआ था, कुछ अल्फाज खुदे हुए थे, क्या अल्फाज खुदे हुए थे, कि हम चैप्टर के हमारे जो लास्ट टू लाइन्स हैं या वन एंड हाफ लाइन है, कि here lies a man, कि यहाँ पर वो शख्स पड़ा हुआ है, here lies a man who told nothing but truth, जिसने सच के सिवा कुछ ना कहा। Here lies the man, यहाँ पर वो शख्स पड़ा हुआ है, who would not prove his innocence, but the flood proved it, जो कि खुद अपनी बेगुनाही को साबित ना कर सका, लेकिन सैलाब ने उसकी बेगुनाही साबित कर दी। तो ये कुछ अहम सवाल हैं जो कि मुझे लगते हैं चैप्टर के, जब आपने अगर चैप्टर को थरोली पढ़ा होगा तो इसके अलावा भी कोई सवाल आएगा तो आई एम श्योर कि आप इसको बेहतरीन अंदाज में इसको सॉल्व कर पाएंगे, इसको आंसर कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका काम, ये हमारा ख़त्म हो गया। इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन पैसेजेस, अगर ट्रांसलेशन के सेंस में इस पूरे चैप्टर की एक एक लाइन बहुत कीमती है, हम किसी भी दो लाइंस को भी कोई सी दो लाइनें भी इसमें से छोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि वही दो लाइनें एग्ज़ाम में आ सकती हैं। तो ट्रांसलेशन के सेंस में ये पूरा चैप्टर जो है वो इंतहाई अहम है, हर लाइन के अंदर ऐसे एक दो वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनकी ट्रांसलेशन स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ कर सकती है। तो अगर ये पूरा चैप्टर अहम है, लेकिन फिर भी ये पैराग्राफ नंबर वन, ये नंबर टू, ये नंबर थ्री और ये है नंबर फोर, ये फोर पैराग्राफ्स ऐसे हैं जो आप लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा, उन तमाम अहम में से ये मुझे ज़्यादा अहम लगे हैं। तो ये आपका ट्रांसलेशन के सेंस में चीज़ें हो गई, और इसके अलावा हमारे पंक्चुएशन में आपने ये करना है कि ये आपको तीन लाइनें मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, इसी चैप्टर के सेंटेंसेज हैं, आपने इनको प्रैक्टिस के तौर पर क्या करना है, आपने इनको अनपंक्चुएट करना है और फिर दोबारा से पंक्चुएट करना है, ठीक है। इन्हीं लाइंस को आप पहले पंक्चुएशन ख़त्म करेंगे, कैपिटलाइजेशन, फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, नरेशन, ठीक है, जो भी आप इसमें आपने हमने इसको पंक्चुएशन की हुई है, सबको आपने इसको अनपंक्चुएट करना है और फिर दोबारा से आपने इन्हीं तीन को पंक्चुएट करना है। तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ इंशाल्लाह कल दोबारा स्टार्ट करेंगे, फिर वर्ड जो हैं वो आप दूसरी वीडियो में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्लास, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।